गाइज़ वेलकम बैक टू करुणाज मास्टर किचन। आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र की स्पेशल स्वीट डिश जिसका नाम है पुरणपोली, जो सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत भर में काफ़ी पसंद की जाती है। तो चलिए आज देखते हैं पुरणपोली की क्विक रेसिपी। पुरणपोली बनाने के लिए मैंने ये बड़ी कटोरी चने की दाल ले ली है। आपको अगर इतना नहीं बनाना है तो आप छोटी कटोरी ले लेना, ये तकरीबन आधा केजी है। अब हम इसे धो लेंगे। चने की दाल को हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसमें 2 से 3 ग्लास पानी डालना है हमें, ताकि ये अच्छे से गल जाए। पानी ऐड कर लिया है। अब हम 3 से 4 विसल ले लेंगे और इसे अच्छे से गला लेंगे। जब तक दाल पक रही है तब तक हम गेहूं का आटा गूंथ लेते हैं। इसके लिए मैंने इस आटे गेहूं के आटे को अच्छे से छान लिया है। अगर मैदे की छलनी है तो उससे छानिए, अगर नहीं है तो कोई पुराना पतला वाला जो दुपट्टा होता है उससे छान लीजिए। फिर ऐसा करने से ही अच्छा स्टिकी डो बन के तैयार होता है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और ये दो टीस्पून इसमें तेल जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आटा मैंने वही कटोरी लिया था जिसमें हमने दाल ली थी, उतना ही आटा है ये। अब हम इसे गूंथ लेंगे। आप पूरा वीडियो अच्छे से एंड तक देखिए, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिए। पुरणपोली बनाना काफी आसान तो है, लेकिन सारे स्टेप आपको अच्छे से फॉलो करना होगा। आटा गूंथ लिया है, इसमें और थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे अच्छा मसल के चिकना कर लेंगे। अब हम इसे एक गीले कॉटन के रुमाल से 15-20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। दाल हमारी पक चुकी है, देखिए ऐसे पकनी चाहिए दाल पूरी, गल जानी चाहिए। और इसे मैंने एक पतीला है नीचे, उसके ऊपर छलनी है और दाल को रखा है, क्योंकि इसका जो एक्सेस वाटर है वो हमें निकाल लेना है। अब हम इसे मोटे तले के बर्तन में शिफ्ट करेंगे। देखिए ये है उसका एक्सेस वाटर, ये वेस्ट नहीं जाएगा। किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी में आप इसे ऐड कर लो, इससे उसका टेस्ट भी बढ़ता है और थिकनेस भी आती है। दाल को मैंने कुकर में शिफ्ट कर लिया है। जितनी दाल ली थी उतनी ही शुगर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। शक्कर के बगैर आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हो। और एक छोटा टीस्पून इसमें जाएगी इलायची की पाउडर। अब हम इसे गैस पे अच्छे से पकाने वाले हैं। गैस हमारा स्टार्ट कर लिया है हमने, लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है। और ये याद रखना है कि बर्तन हमारा मोटे तले वाला ही हो, क्योंकि इसमें शुगर सिरप बनेगा। अगर आप मोटे तले का नहीं लोगे तो ये नीचे से लटक जाएगा और ये इसके अंदर का जो हम बना रहे हैं फिलिंग, इसका फ्लेवर भी चेंज कर देगा, इसलिए जलना नहीं चाहिए नीचे से। अभी कुछ देर में हमारी शुगर पूरी मेल्ट हो जाएगी और ये एकदम पतला दिखने लग जाएगा, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है।
इसे जैसे जैसे हम पकाएंगे वैसे वो थिक भी होता जाएगा। देखिए हमारी शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है। अभी ये बहुत पतला दिख रहा है लेकिन इसे हमें और ज़्यादा पकाना है। ये प्रोसीजर हमारे 20 से 25 मिनट ले लेता है। आपको इसे कंटिन्यू स्टर करते रहना है, ये नीचे से लटकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। पूरन बनके तैयार है, अच्छे से फाइन पेस्ट इसका मैंने बना लिया है, देख लीजिए। अब हम इसे पूरन पोली बनाएंगे, ऐसा ही होना चाहिए। ज़्यादा पतला होगा तो फिर आपको रोटी बेलते नहीं आएगा, ऐसा ही रखना है सबको। आटे की एक छोटी लोई ले ली है, उस पे सूखा आटा छिड़क लिया है, इसे थोड़ा बेल लेना है। पूरन का थोड़ा सा हिस्सा हमें लेके ऐसे राउंड कर लेना है और इसमें रख के चारों ओर से बन कर लेना है। जैसे हम कचौरी वगैरह बनाते हैं तब बनाते हैं वैसे इसे पैक कर लेना है, दबा लेना है अच्छे से। वापस सूखा आटा छिड़क लेना है। और हल्के हाथों से इसे वापस बेलना है। इसमें ज्यादा जोर नहीं लगाना है, हल्के हाथों से इसे बेलना है। फटना नहीं चाहिए। अच्छे से जितना पतला आपको बेलते आए उतना पतला आपको इसे बेल लेना है। ये बेल के तैयार है, अब हम इसे सेक लेते हैं, तवा गरम है हमारा। पूरन पोली डालने के बाद इसमें हम अच्छे से घी डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह चारों ओर फैला लेंगे। क्योंकि इसमें शक्कर डली है इसलिए हमें फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे इसे सेकना है हमें। और तुरंत इसे पलटी कर लेंगे और इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे।
देखिए हमारी पूरन पोली बन के तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे आप आमरस के साथ या खीर के साथ एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी टेस्टी हमारी पूरन पोली बन के तैयार है। ऐसी ही रेसिपीज के लिए करो नाज मास्टर किचन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बाय बाय।